शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे किया, मैं तो बस शाम को तुम्हारे पास आ ही रही थी लहंगा लेके। अरे मैं उसी तरफ जा रही थी। बैठो ना, मैं भी लेकर आती हूँ। अबे किया ना लहंगा लेने के लिए आई है, आप निकाल देंगे? हाँ। श्रद्धा, लहंगा तो यहाँ नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे लेट हो रहा है। लहंगा? किया, तुम अभी जाओ, मैं लहंगा खुद ही लेते हुए आऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक्चुअली किया, लहंगा मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा मतलब क्या है श्रद्धा? अगर हमने लहंगा नहीं पहुंचाया ना, तो वो लोग हमें कोर्ट तक ले जाएंगे। और तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? मेरा यकीन मानो किया, मैंने बहुत संभाल के रखा था, पर पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे हो गया मैं? कहाँ कैसे? अरे हम ये सब जवाब नहीं दे सकते श्रद्धा उन्हें। किया, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। लहंगा गायब नहीं हुआ, बस घर में इधर उधर कहीं रख दिया है, हम लौटा देंगे। क्या बात हो गई? पापा मैं बताता हूँ आपको, कल तक मुझे वो लहंगा वापस चाहिए, वरना फिक्र मत कर बेटा, लहंगा यहीं कहीं होगा, सब लोग मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ पापा। भाभी, हमने जब से श्रद्धा को उस लहंगे में देखा है, ठग्गू के लड्डू की कसम, हम तो सिर्फ वो लहंगे को देख रहे थे और श्रद्धा को देख रहे थे, लहंगे को देख रहे थे, नजर ही नहीं हट रही थी हमारी। काश हमारे पास भी होता। ताई जी, बुआ जी, वरुण भैया। अरे आरती बेटा, हुआ क्या? वो लहंगा था ना जो भाभी के लिए आया था, वो गायब हो गया। क्या? घर का कोना कोना छान मारा हमने, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। अरे आपको मिला क्या? सब जगह देखे, कुछ नहीं मिला। भाभी, अब क्या लहंगे को पैर आ गए जो अपने आप गायब हो गया? कहाँ चला गया? बुआ जी, मैंने कमरे में घर में हर जगह ढूंढ लिया, लहंगा कहीं नहीं मिला। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लहंगा हमें नहीं मिला तो। अरे ऐसे तो वो लोग मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें बहुत पता है, तभी चुराया है श्रद्धा का लहंगा ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। ये सब नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हमें चोर बोलने की? हम चोरी करेंगे? अभय कुछ भी मत बोल। कुछ भी बोल रहा हूं मैं,
नहीं लेकर गई थी ये चुपचाप लहंगा? नहीं पहना तुमने चुपचाप लहंगा? हाँ झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं। हाँ लिया लहंगा और हमने पहना भी था। अरे पहनने में और चोरी करने में फर्क होता है। और तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते, उनकी भी तो नजर थी लहंगे पे। अरे अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए हम पे डाल दोगी क्या तुम? लो जी हमारी भाभी पर इल्जाम लगा रही है। ओ भत्ती मॉडल, तुम जो ये चिल्लाती रहती हो ना हमारा सर फटता है, तो चिल्लो ना बंद करो। हम ना भत्ती मॉडल नहीं है, हम बहुत सुंदर है और ये सबको पता है। अरे अपनी भाभी से क्यों नहीं पूछती? हाँ चिल्ला चिल्ला के कह रही थी हमें ये लहंगा अपनी बेटी के लिए चाहिए, अपनी बेटी के लिए चाहिए। हो सकता है उन्होंने ही चोरी किया हो। कीर्ति क्यों, सही तो कह रही है कीर्ति, वैसे भी इसकी पसंद उस लहंगे से काफी ऊंची है। सोनिया लो जी अब इन्हीं की कमी थी। हाँ जितनी तेजी से ये इस बत्ती, हमारा मतलब है कीर्ति के बचाव में कूदी है, हमें तो लग रहा है लहंगा इसी ने गायब किया है। क्या करेगी सोनिया? सोनिया ने कुछ नहीं किया है। अरे आप इस अभय को नहीं देख रही, ये जिसकी कोई औकात नहीं है। हो सकता है इसने चोरी किया हो दीदू के लिए। कीर्ति ये क्या बोल रही हो तुम? रहने दे वरुण, इसे सब इसके जैसे ही लगते हैं, दूसरों के पैसों पे पलने वाले। अरे हर बार इस लड़की को हम लोगों ने माफ किया। अनुजा बात माफ करने की नहीं है। नैना भाभी आप तो रहने ही दीजिए क्योंकि हो क्या रहा है यार? आप लोग शांत रहेंगे कि नहीं? अरे कोई तो भाई साहब की बात सुन लो। क्यों सुने? और आपने मैं भद्दी बोला? अरे तो बहुत भद्दी। अरे सब पानी में नहीं है। नो सब क्या बात है? अरे तो नहीं। अरे नहीं जा रहा हूँ। नो सब क्या बात है? अरे नहीं जा रहा हूँ। एक लहंगे के लिए हम सब आपस में इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं? श्रद्धा बात लहंगे की नहीं है, चोरी मक्कारी की है। लहंगा इसी घर में है ना, चोरी हुआ है ना, तो एक काम करते हैं सबके कमरे की तलाशी लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी आज ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है अबे, सबसे पहले हमारे कमरे की तलाशी लो ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। हम तैयार हैं। हम तैयार नहीं है। हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे कमरे की क्यों होगी तलाशी? हाँ आ गई ना चोरनी आगे, इसी ने क्यों हम कह रहे। क्या हो गया है हम सबको इस घर में, हमारे परिवार को क्या हो गया है? एक लहंगे के लिए हम लोग आपस में इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं? अभय मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, उस लहंगे के लिए मुझे हमारे घर वालों की तलाशी लेनी मंजूर नहीं है। पर श्रद्धा लहंगा चोरी तो हुआ ना, और इसी घर में, अगर ढूंढेंगे नहीं तो कल लौटाएंगे कैसे उसे? श्रद्धा लौटाने के लिए लहंगा ढूंढना भी तो जरूरी है, और जो तरीका मैं बोल रहा हूँ उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये घर का ही कोई है। मैं जानती हूँ अभय, उसी वक्त तलाशी ले ली होती
तो ये मैटर उसी टाइम सॉल्व हो जाता ना। नहीं अभय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इससे सारी बातें ठीक हो जाती? बात और बिगड़ जाती। अभय अगर गलती से भी घर के किसी ऐसे सदस्य पर उंगली उठ जाती जिसने ये गलती नहीं की है, तो आपको पता है उसे पूरा परिवार टूट सकता है। अरे पर किसी एक ने तो चोरी की है ना, उसका पता कैसे चलेगा? हेलो जीजू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। बढ़िया। आपको पता है मैं ना इतना अच्छा बच्चा बन गया कि स्कूल में जो चैप्टर कल पढ़ाने वाले थे मैंने आज ही कंप्लीट कर दी, और आपकी दी हुई ये कहानी की किताब भी पढ़ ली, बहुत अच्छी थी। हाँ। और मुझे सबसे अच्छी है ना वो दिमाग लगा के चोर को पकड़ते है ना, वो अच्छी लगी। शाबाश, चल अब तू पढ़ाई कर। एक मिनट, कौन सी कहानी की बात कर रहा है तू जिसमें चोर पकड़ते है? हाँ। चोर आ गया पकड़ में तो सब यहाँ जमा हुए? वो तो पता नहीं, लेकिन अभय और श्रद्धा सबसे बात करना चाहते हैं। हम दोनों ने आप सबको यहाँ बुलाया है इसलिए क्योंकि हमें उसका पता चल गया है जिसने वो लहंगा चुराया। और हमारे पास उसका सबूत भी है। है कौन वो? अबे उसका नाम तो बता। नहीं ताऊ जी, हम सबके सामने एक सदस्य का नाम लेकर उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते। इसलिए हमने वो सबूत ऊपर हॉल पे रख दिए, और जिस किसी ने भी वो लहंगा चुराया है वो 12 बजने से पहले उस लहंगे को वापस वहां रख दे और वो सबूत ले जाए। इस बात को हम यहीं रफा दफा कर देंगे, वरना वरना हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। पुलिस? जी पापा, कंपनी वाले लहंगा गायब होने का इल्जाम सारा श्रद्धा पे लगा रहे हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रार्थना कीजिए कि वो लहंगा हमें जल्दी मिल जाए। निशाने पर लगा कि नहीं? हमें ना कोई चिंता नहीं है, तो हम जा रहे हैं आराम से सोने। पता नहीं इतनी सी बात को इतना गोल गोल घुमाने में क्या मजा आ रहा है इन दोनों को। हाँ, सीधे सीधे नाम बता ही देना चाहिए था। अब हम भी बहुत थक गए हैं, तो हम भी आराम करने जा रहे हैं। ये क्या बात हुई जो सारे एक एक करके फुर्र हो गए? लगता है हमें ही पता करना होगा ये कांड किया किसने। हमारा ये पैतरा काम तो आएगा ना?
बुरा दाव खेला हमने, पहला झूठ कि सबूत हॉल में पड़ा है। जो भी उसे लेने आया तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि वो कौन है। और दूसरा ये कि डर के अगर उसने लहंगा छोड़ दिया तो हमें लहंगा तो मिल जाएगा ना। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब है अगर अगर दोनों ही पैतरे काम ना आए तो फिर तो मुझे जेल हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं जेल जाऊंगा। लेकिन श्रद्धा तुम देखना, हमारा दोहरा दाव जरूर काम आएगा। बस 2 घंटे बचे हमारे पास, तुम बस नजर सही जगह रखना। आपने चुराया है? तू अपनी माँ को चोर कह रहा है? तू इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने चोर का नाम नहीं बताया तो हमने सोचा कि हम खुद आके देख लेते कि वो चोर है। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। मम्मी यार, अब जाओ ना यहाँ से। अरे हमको जानना है, तुम अभी ऊपर। मैं नहीं बताऊँगा। अरे बताओ। अच्छा सुबह बताऊँगा, सुबह बताऊँगा। सब कौन आ गया? आ रहे हैं। कीर्ति, इस वक्त हमारे कमरे में सब ठीक तो है? तुम ठीक हो? हाँ बुआ जी, हम बिल्कुल ठीक है। हम ना आपके लिए दूध लेकर आए थे। हमारे लिए दूध लेकर आई हो? लेकिन हमने तो पहले से दूध पी लिया। लेकर आया आपके लिए, ये बहुत अच्छा होता है। ये आपको पीना ही पड़ेगा, आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। हाँ, क्या बात है कीर्ति रानी, बड़ी मेहरबान हो रही हो हम पर। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बुखार तो नहीं है क्या? बुआ जी, आप बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते ना हमको ताना सुनाने का। क्या करे, तुम हो ही इतनी प्यारी चंट एक नंबर की। ये तो आपको पीना ही पड़ेगा। ये हेल्दी का दूध है, ये बहुत अच्छा है आपके घुटने के दर्द के लिए। चलिए पीजिए। अरे पीजिए, अरे पीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया।
बुआ जी हमें ना बहुत नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अजीब है, आज हमारे लिए टूट लेकर आई। ये यहाँ कैसे आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये बॉक्स तो ये हमारे कमरे में कैसे आ गया? सब तो हम ही को चोर समझेंगे, हम क्या करेंगे? अब क्या करें? क्या होगा? श्रद्धा कुछ पता चला? श्रद्धा कहाँ खोई हो? यार समय इतनी तेजी से बीत रहा है, अभी तक ना चोर का पता चला हो ना ही लहंगा वापस मिला। पता नहीं क्या ही होगा। थोड़ी देर पहले तो मैं बाहर था, फिर ये यहाँ कैसे? हमारे लिए भी सबसे खुशी की बात ये है कि ये लहंगा मिल गया है हमें। अरे पर चोर का कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बाहर आओ। मुझे तुम्हारा सच कल रात ही पता चल गया था। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।